हिमाचल में भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी सरकार प्रयासरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देना चाहती है। धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को असफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरे जोरों शोरों से कोशिशें कर रही है। ये बात हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कही। सत्ती ने सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उद्योग मंत्री कांग्रेस मुकेश अग्निहोत्री को याद दिलाया कि अपने शासन काल में एक भी स्थापित किए गए उद्योग का नाम नहीं बता सकते हैं। सतपाल सत्ती ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केवल बड़ी बड़ी बातें करने ही जानती है, लेकिन बीजेपी की सरकारों ने हिमाचल में काम करके दिखाया है। उन्होंने आग्रह किया कि अच्छे प्रयास की प्रशंसा नहीं कर सकती तो इन्वेस्टर मीट के लिए हवा पैदा भी ना करें। इन्वेस्टर मीट में अनुराग ठाकुर और धूमल के ना आने की चर्चाओं पर सतपाल सत्ती ने कहा कि इन्वेस्टर मीट में धूमल के ना आने का निजी कार्यक्रम में व्यस्त होना है और इन्वेस्टर मीट में पार्टी का बहुत काम नहीं होगा और केवल पीएम मोदी का स्वागत करने तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 7 नवंबर को 10:30 बजे पहुँचेंगे और अमित शाह 8 नवंबर को शाम 3 बजे धर्मशाला पहुँचेंगे। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, बीजेपी प्रदेश सचिव विजय पाल सोहारू, जिला अध्यक्ष बीजेपी अनिल ठाकुर, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, मीडिया प्रभारी अंकुश दस शर्मा, विनोद कुमार भी मौजूद रहे। प्लास्टिक समस्या विकराल होती जा रही है और प्लास्टिक के निपटारे के लिए देश भर में अभियान छेड़ा गया है। हमीरपुर के बाल स्कूल में चल रहे जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंद्रुड़ू के बाल वैज्ञानिक ने प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए प्लास्टिक मुक्ति दान नाम से मॉडल तैयार किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बाल विज्ञान सम्मेलन में पहुंचे सैकड़ों मॉडलों में से प्लास्टिक मुक्ति दाम मॉडल अनदेखा है। आपको बता दें कि बाल वैज्ञानिक विशाल कुमार के द्वारा तैयार किए गए मॉडल का प्रारूप शमशान घाट की तरह है, जिसमें प्लास्टिक पिघलकर दो पाइपों के माध्यम से पहुंचेगा। इस तरह के मॉडल में प्लास्टिक को पिघलाकर किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विशाल कुमार ने बताया कि प्लास्टिक की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मॉडल तैयार किया है। उन्होंने बताया कि गांव में किसी की मृत्यु होने पर शमशान घाट को देखकर दिमाग में ऐसा मॉडल बनाने का आइडिया आया, जिससे न केवल प्लास्टिक से मुक्ति मिल सकेगी जबकि इस तरह से बिजली भी तैयार की जा सकेगी। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबाल ने बाल विज्ञान विशाल कुमार के मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए मॉडल बेहतर है और इससे फायदा होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसे चिंतनीय बनते जा रहे हैं तो आए दिन भूकंप और पहाड़ी दरकने से भी हर वक्त खतरा बना हुआ है। हमीरपुर में चल रहे जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में नन्हे वैज्ञानिक सूर्य चौहान ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें कभी भी पहाड़ी दरकने और भूकंप आने पर पहाड़ी के पास लगाए गए मैग्नेट सेंसर अलार्म से पता चल सकेगा तो अंधे मोड़ पर भी दूसरी ओर से गाड़ी आने से पहले ही अलार्म और लाइट के माध्यम से वाहन चालक अलर्ट हो जाएंगे। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल जाहू के छात्र सूर्य चौहान ने बताया कि आपदा आने पर मैग्नेट सेंसर से पता चल सकेगा तो ब्लैक स्पॉट पर हर वक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, लेकिन मॉडल के अनुसार ब्लैक स्पॉट के दोनों ओर मैग्नेट सेंसर से अलार्म के साथ लाइट चलेगी, जिससे वाहन चालक अलर्ट हो जाएगा और खतरा टल जाएगा। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबाल ने बताया कि आपदा प्रबंधन को लेकर बनाए गए मॉडल बहुत ही बेहतर है और इस मॉडल को देखकर लग रहा है कि ब्लैक स्पॉट पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगेगा तो आपदा के दौरान हादसा होने से पहले ही पता चल सकेगा।
हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वाधान में 13 से लेकर 16 नवंबर तक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में प्रदेश भर से 700 स्कूली विद्यार्थी हिस्सा लेंगे, जबकि 100 के करीब गाइड टीचर साथ आएंगे। इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। खास बात ये है कि सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने वाले स्कूलों के 100 विद्यार्थियों के लिए बंगलुरु की इंटरनेशनल अगस्त्या फाउंडेशन 10 व 11 नवंबर को एक विशेष ट्रेनिंग का आयोजन कर रही है और ट्रेन बच्चे सम्मेलन में मॉडल्स के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिलासपुर के उप निदेशक सुदर्शन कुमार ने ये खुलासा किया है कि उन्होंने टूरिज्म के होटल लेकव्यू कैफे में पत्रकारों से बातचीत में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन के दौरान व्यवस्थाओं के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में बिलासपुर में ये आयोजन हुआ था और 10 साल बाद फिर से इस जिला को मेजबानी मिली है।